सर, यूपी पुलिस की एग्जाम डेट क्या हो सकती है? हाँ भाई, यूपी पुलिस को लेके बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल है कि परीक्षा कब होगी। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई बता रहा है कि परीक्षा जून में ही हो जाएगी, कोई कह रहा है कि नहीं जुलाई में होगी, और कोई ये कह रहा है कि अगस्त में होगी। हमने इसके ऊपर यूपी संगम पर वीडियो भी बना रखा है कि परीक्षा कब तक संभव है। और अगर हम लेटेस्ट अपडेट को देख रहे होंगे तो हमारे पास लेटेस्ट ये वाली अपडेट है जहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है। ये सारी अपडेट इसमें है, जैसे 30 अप्रैल की कोई अपडेट है, कोई 14 अप्रैल की है, कोई 31 मई की है, कोई 30 मई की, सारी अपडेट को हमने यहाँ पर ले रखा है। अब अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो अभी तैयारियां चल रही है कि किस स्कूल को सेंटर बनाया जाए, किस स्कूल में एग्जाम सेंटर के थ्रू बच्चों को पहुंचाया जाए, वो सारी तैयारियां अभी चल रही है, जिसमें लगभग ये मान के चलिए 10 से 15 दिन चल सकता है। इसमें आपको लगेगा ही लगेगा, फिर भी अगर बहुत जल्दीबाजी होगा तो भी जुलाई तक का पेपर जाएगा ही जाएगा, यानी जुलाई के आखिरी में या अगस्त के शुरुआती दौर में हो सकता है। लेकिन अगर इससे पहले भी पेपर कराने को सोच लिया गया है, या अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ये चीज़ ठान लेता है कि वो पेपर पहले कराएगा, तो करा भी सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा। ये मान के चलिए कि मात्र 1 महीने अब आपके पास बचे रह गए हैं, इसी में आपको जान लगानी है, पुराना रिवीजन भी करना है, और प्लस अपने आप को मॉक टेस्ट के थ्रू खूब ज़्यादा एकदम प्रैक्टिस के साथ साथ आगे लेकर चलना है। क्योंकि इस बार अगर नंबर कम आए इतने समय मिलने के बाद भी, तो शायद इससे बड़ा पछतावा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पर इतने सारे वैकेंसीज हैं, जो भारत में अभी तक किसी भी राज्य में इतनी बड़ी भर्ती नहीं मिली है, इतनी बड़ी भर्ती है जिसमें आपको 5-6 महीने का ज़्यादा समय मिल गया, अब उसके बाद भी सिलेक्शन ना हो पाए तो ये बहुत शर्म की बात होगी। इसलिए 1 महीना आपके पास है, पूरी जान लगा दीजिए, सारी चीज़ों को रिविजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। हम मॉक टेस्ट के लिए भी जल्द ही यूपी संगम पर आपके लिए कई सारी चीज़ें बच्चों अनाउंस करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।